Hey, what's up people, it's me Abhishek and you're watching As Usual Alpha Abhi. So in this particular video, I'm gonna tell you the top 5 reasons to take admission in Samara. So here we go. So सबसे पहला रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी 6 ईयर्स इंग्लिश के अंदर MCI से रिकॉग्नाइज है, WHO से रिकॉग्नाइज है, प्लस GMCE से रिकॉग्नाइज है. तो आप कोई भी अगर फॉरेन के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी अगर इंडिया के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्लस अगर आप कोई फॉरेन का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स गुड टू गो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे क्या कहते हैं आपके नॉर्थ अफ्रीका से हैं, जैसे कि टूनीशिया हो गया, जॉर्डन हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, इन सब जगह से बेसिकली गल्फ एरिया से भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. क्योंकि मैं समारा गया था, मैं उनसे मिला था, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई थी. उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे टोटल जो एजुकेशन है वो पूरे की पूरी 6 ईयर्स जो है यहाँ पे इंग्लिश के अंदर है. और ये बात मेरे को कैसे पता लगी थी, क्योंकि मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उनकी जो रशियन थी वो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब थी. तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि भाई इनका कोर्स यहाँ पे 6 ईयर्स के अंदर वो पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर है. और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब दूसरी कंट्री से लोग होते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है. आई विल एक्सप्लेन यू कैसे. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, वो उनका अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना बैकग्राउंड होता है, उनसे आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो एक आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और एक आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल की भी ग्रोथ होती है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है. Hey guys, hi, how are you? मैं फिर से आ गया, मुझे पता है और मैं बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ ऐसे और ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल ठीक है, आप स्किप कर सकते हो. बट मैं बता दूं कि हम लोग ने MBBS अब्रॉड के लिए क्या कहते हैं एक कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर आपका मन है MBBS अब्रॉड ज्वाइन करने का और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है, तो उन सब के लिए आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स भरिए और हम आपके साथ बात करते हैं. ठीक है, तो अभी वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं और मैं चलता हूँ, बाय. सेकेंड पॉइंट, सिटी. समारा सिटी एक बहुत मतलब बड़ी सिटीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है इन रशिया. क्योंकि अगर आप सिटीज़ की बात करो, जैसे मॉस्को, पीटर्सबर्ग, फिर उसके बाद आती है समारा जैसी सिटी. क्योंकि 2018 के अंदर समारा के अंदर फीफा भी हुआ था, तो समारा इज़ अ बिग डील. उधर काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे टूरिस्ट साइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है रशिया के अंदर. क्योंकि जो लोग मैं ऑरनबर्ग के अंदर रहता हूँ, तो हम लोग जब छुट्टियाँ होती हैं तब समारा में हम घूमने जाते हैं. तो आप सोच सकते हो कि समारा कितनी सुंदर सिटी है, कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है वहाँ पे. तो सिटी बहुत अच्छी है. सिटी एक बात और अच्छी है कि वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. कनेक्टिविटी का मेरा मतलब कि वहाँ पर बसेस, ट्राम सर्विस और आपकी क्या कहते हैं जो रेगुलर जो बसेस चलती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी हैं, प्लस मनी उनका क्या कहते हैं बजट भी है. अगर मैं बताऊं तो अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड बनवाते हो तो आपको एक आई गेस मिनिमल फीस होती है, मतलब 17 रूबल्स के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो. वेयर एज मैं ऑरनबर्ग के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे बेसिक जो फेयर है लाइक मिनिमल फेयर है बस का वो 25, जो कि 32-45 तक जाता है ईजिली. और अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 200 तक चला जाता है आराम से, सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है. तो इस सिटी की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको बसेस कहीं पर भी आपको जाना है तो आप उसकी बसेस हैं और ट्राम्स अवेलेबल हैं. प्लस सिटी बड़ी है तो उनका एयरपोर्ट भी बड़ा है, तो अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है बेसिकली अभी रशिया और यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा फ्लाइट्स अवेलेबल है नहीं, बट कुछ कुछ फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्टली समारा से दुबई जाती है और दुबई से आप इंडिया जा सकते हो. अगर आप वैसे भी कंसिडर करो तो आप कोई भी सिटीज़ जाओगे तो आपको पहले मॉस्को जाना पड़ता है, फिर आप दिल्ली जाते हो. तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है कि आपको दुबई से आप ट्रैवल करके जा सकते हो, और एज वी नो दैट दुबई में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, तो आप दुबई भी घूम सकते हो. तो एक और अच्छी बात है समारा की. थर्ड, यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा टाइम से नहीं आ रहे. मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब यहाँ पे इंडियंस थे, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आया था ऑरनबर्ग के अंदर 2018 के अंदर, तब समारा के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स थे, मतलब सिक्स ईयर के अंदर, तब इंडियन कॉन्ट्रैक्टर नहीं था उनका. तो उतने टाइम भी मतलब पिछले 2 साल से ही उधर इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके एक अच्छा है. वहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने जिनसे बात करी, जिनके साथ मैंने क्या कहते हैं ट्रैवल करा, जो भी रशियन से या फिर जो भी उधर के फॉरनर से, वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे. तो एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि वो अपनी तरफ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे थे, हमारे बारे में कुछ जानना चाहते थे. फोर्थ पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा वहाँ का वो ये था कि उनके हॉस्टल्स मेरे हॉस्टल से कंपैरेटिवली बेटर हैं.
क्योंकि क्या जो उनका हॉस्टल भी है वो शायद 1984 के अंदर बना है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, वो सोवियत टाइम का बना हुआ है, बट उनका जो हॉस्टल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैसे? क्योंकि उनका जो एक रूम है, उनके क्या कहते हैं बेसिकली उनके जो ब्लॉक सिस्टम है, उनके फ्लोर जैसे डिवाइडेड है हाफ हाफ के अंदर, ठीक है, तो हाफ फ्लोर के अंदर दो किचन्स आपको अवेलेबल की गई हैं, वेयर एज मेरे हॉस्टल के अंदर एक फ्लोर पे दो किचन्स हैं, उनके एक फ्लोर पे चार किचन्स हैं, और एक एक जो रूम भी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हॉस्टल भी है वो भी एक अच्छी लोकेशन पर है, वहाँ से सारी बसेस ट्रैम्प अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी कम्यूट करना यूनिवर्सिटी के लिए ईजी रहता है। और फाइनल और सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए वो ये है, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है। सीरियसली आप जानते नहीं हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप एकदम भीख मांग सकते हो भगवान के सामने कि प्लीज़ भगवान मेरा फार्मा क्लियर कर दो, नहीं हो रहा है मुझसे, तो भगवान करेंगे भाई 150 रुपये ले लो यार, 150 रूबल ले लो, बट मुझे पास करा दो। तो वो सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सही रहता है इस्कॉन टेम्पल आप, क्योंकि वहाँ पे जो भी जन्माष्टमी होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ पे जो भी इस्कॉन टेम्पल में बेसिकली वहाँ पे रशियंस ही ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब रशियंस ही उसको चला रहे हैं उसको, और वहाँ पे हर संडे को कीर्तन होते हैं। मैं एक बार गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने कीर्तन मिस कर दिया था, सुबह की आरती मिस कर दी थी, बट मैं दिन में जाके मैंने पूजा वगैरह करी थी वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे प्रसाद वरसाद भी मिला था हमें, और वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थे, और बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपका कल्चर फॉरेन की कंट्री के अंदर फॉलो किया जा रहा है और आपसे अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है, तो वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ये रीज़न दी बेस्ट है, लाइक अगर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर होता तो मैं डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता। सो आई थिंक दिस वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मे बी शेक एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल अल्फा बी।